नमस्ते बच्चों, वी आर बैक विद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स फॉर स्कूल सेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के पहले लेक्चर में हमने प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन टेबल पूरा देखा था, उसमें क्या सीखा था? उसमें हमने देखा था प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। और एक जिसमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी फ्लावर होता है, उसको बोलते हैं फैनेरोगैम्स। दो टाइप थे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ये पांच टाइप अच्छे से याद रखो, प्लांट्स के बेसिक पांच टाइप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इसमें से हमारा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हो चुका। आज सर तुमको क्या सिखाएंगे? आज सर तुमको सिखाएंगे टेरिडोफाइटा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या स्पेशल क्वालिटी है? तो उनकी क्वालिटी नंबर वन, दीज प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। देखो, इसके पहले हमने थैलोफाइटा पढ़ा था। थैलोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ होता ही नहीं था। ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत था बेटा, बट टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ होता है। थैलोफाइटा पूरा एक्वेटिक था, वो प्लांट सिर्फ पानी में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन था, यानी पानी भी चाहिए उसको और वो लैंड पर भी जीना चाहता है। रहेगा लैंड पे बट इट नीड्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अब टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा इज फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नाउ फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लिविंग ऑन लैंड, ये प्योरली लैंड पर रहने वाला प्लांट है बेटा। सो थैलोफाइटा पानी में था, ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियन, यानी लैंड पर भी है और उसको पानी भी चाहिए, और ये प्योरली लैंड पर रहने वाला प्लांट है। सो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इनके पास वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स है। नेक्स्ट, दीज प्लांट्स हैव कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम होता है बेटा। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है? जैसे तेरे घर पे अगर पानी सप्लाई करना है तो किसकी मदद लगेगी? पाइपलाइन की। हमारे बॉडी के अंदर जब भी न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सप्लाई करना है तो किसकी मदद लगती है? ब्लड वेसल्स की, यानी ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह में प्लांट में जब भी फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो जिस पाइपलाइन के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोलेंगे फ्लोएम, और जब भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो जिस पाइपलाइन के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोलेंगे जाइलम। सो इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इतना अच्छे से याद रखना बेटा। नेक्स्ट, these plants do not have flowers and fruits. इनमें flowers और fruits होता नहीं है सर, तो फिर ये reproduce कैसे करेंगे? They reproduce asexually
बाय स्पोर फॉर्मेशन। सो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअली का मतलब क्या होता है? विदाउट जेंडर। और सेक्सुअली का मतलब विथ जेंडर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होगा ना, एक मेल सेल और एक फीमेल सेल कंबाइन होगा और फिर नया प्लांट आएगा उसमें से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा रहता है ना, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर यानी डस्ट लाइक पार्टिकल। वो छोटा सा डस्ट लाइक पार्टिकल अपने आप में ही जहां पर भी सेटल होगा ना, वहां से नया प्लांट आ जाएगा बेटा। ओके, सो यहां पे कैसा है कि मेल और फीमेल सेल कंबाइन नहीं हो रहे हैं इसलिए एसेक्सुअली, और क्योंकि डस्ट लाइक पार्टिकल बन रहा है विच इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ओके, इसलिए उसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये स्पोर बनता कहां पर? ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, इट टेक्स प्लेस ऑन बैक साइड ऑफ लीफ, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। यानी जो लीफ होता है ना उसके बैक साइड पे, यानी नीचे का जो सरफेस है, ओके, वहां पर छोटा छोटा डस्ट लाइक पार्टिकल बनता है जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सो दीज प्लांट्स विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, अब सेक्सुअली क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल सेल दोनों कंबाइन होते हैं बेटा, ओके, एंड जाइगोट क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद जो सेल बनता है वो। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। टेरिडोफाइटा के पास रूट स्टेम और लीफ है, ओके, उनके पास कंडक्टिंग टिश्यू है, उनके पास क्या नहीं है? फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है बेटा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की मदद से, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन की मदद से। ये स्पोर लीफ के बैक पोस्टीरियर सरफेस पर बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, लास्ट पॉइंट बेटा, ओके। अब एग्जाम्पल में व्हाट वी हैव इज नंबर वन नेफ्रोलेपिस, नेफ्रोलेपिस LEPIS लेपिस। नेक्स्ट मार्सीलिया, नेक्स्ट एडियंटम, नेक्स्ट टेरिस, आफ्टर दैट सेलागिनेला, देन कम्स लाइकोपोडियम, एंड लास्ट इज इक्विसेटम। सर इतना मैं कैसे याद रखेगा? ओके, तो यहां तू एक टेक्निक याद रख, न्यू मैप्स ले, नए मैप को ले तू, ठीक है बेटा। अब न्यू में एन यानी नेफ्रोलेपिस, मैप्स में एम से मार्सीलिया, ए से एडियंटम, पी से टेरिस, पी साइलेंट है, टी से पढ़ने का टेरिस, फिर एस से सेलागिनेला और ले में एल से लाइकोपोडियम, ई से इक्विसेटम। हो गया ना आसान बेटा? ओके, इसको प्रैक्टिस करना तो इसको है ना अपने रफ नोटबुक में लिख लो और इसको बिना देखे बोलने की कोशिश करो बेटा, आ जाएगा। न्यू मैप्स ले, ओके, राइट। अब ये सब के सब जो प्लांट है ना, ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्न्स। ये भी एक पॉइंट याद रखने का बेटा, ओके। चलो मूविंग ऑन, आफ्टर टेरिडोफाइटा नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जिम्नोस्पर्म्स। देखो मैं इस लेक्चर में शुरुआत से बोल रहा हूँ कि प्लांट के बेसिक पांच टाइप ही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, खत्म हो गया यहाँ। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अभी जिम्नोस्पर्म्स कर रहे हैं, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स करेंगे बेटा। अब जिम्नोस्पर्म्स की खास बात क्या है? नंबर वन, ये प्लांट काफी ऊंचे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, यानी हमेशा ग्रीन कलर के होंगे,
पेरिनियल होते हैं। सर पेरिनियल मतलब क्या? ये बेटा पेरिनियल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, काफी समय तक जिंदा रहते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक। ओके, यानी काफी लंबे समय तक, इनफाइनाइट यानी काफी ज्यादा टाइम ले लो बेटा। ओके, और इनमें लकड़ा बहुत होता है, तो दीज आर वुडी ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इनकी स्पेशल क्वालिटी ये है, स्टेम विदाउट ब्रांचेस। इनके स्टेम में है ना कोई ब्रांचेस नहीं होता है बेटा। नॉर्मली कैसा है स्टेम, उसके आजू बाजू में ब्रांच निकलता है ना, इनके स्टेम में कोई ब्रांचेस नहीं होता है। नेक्स्ट, लीव्स फॉर्म्स क्राउन। ये देख बेटा, इनके लीफ ना इस तरह से सब डायरेक्शन में निकल के आते हैं, तो ये सिर का ताज लगता है। क्राउन मींस ताज ना, वो कैसा कॉन्टेस्ट में पहनाता है, ऐसा मिस इंडिया में, ऐसा मिस यूनिवर्स में ऐसा पहनाया, तो हम बोलता ओ माय गॉड, राइट करेक्ट, ऐसा एक्सप्रेशन देता है हम लोग वैसा। और जो सिर का ताज होता है उसको क्या बोलने का, क्राउन। सो इसका लीव्स सब डायरेक्शन में निकल के आता है बेटा, तो याद रखने का, लीव्स फॉर्म्स क्राउन। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। यानी इनका मेल और फीमेल फ्लावर्स ना स्पोरोफिल, स्पोरोफिल इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके, उसके ऊपर होता है एक ही प्लांट में, यानी सेम प्लांट के ऊपर, समझो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल, सो इसके ऊपर मेल फ्लावर होगा, ये दूसरा स्पोरोफिल है तो इसके ऊपर फीमेल फ्लावर। सो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट, ये याद रखो। नेक्स्ट, these plants have seeds which are not covered by fruits, okay, इसीलिए इनको gymnosperms बोलते हैं। gymnosperms का word अगर तोड़ोगे ना, gymno means naked and sperma means seeds, so their seeds are naked, naked means uncovered। normally देख कैसा होता है angiosperms में, कैसा होता है ना कि अगर ये seeds है बेटा, तो seeds के आजू बाजू में fruit का covering होता है, जैसे mango lets say, so the seeds are covered by the fruits, पर gymnosperm में seeds और आजू बाजू में कोई fruit का covering नहीं है बेटा, क्रॉस मार दिया मैंने, कुछ भी नहीं है, खाली सीड्स है बेटा। तो दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, जहां पे वर्ड में जिम्नो मींस नेकेड एंड स्पर्मा मींस सीड्स। लास्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल वी विल टेक इज साइकस, ओके, सेकंड एग्जांपल इज पिसिया, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट, थूजा, ऑल्सो कॉल्ड एज मोर पंखी। नेक्स्ट, पाइनस, ऑल्सो कॉल्ड एज डियोडा। सर मैं इतना सारा कैसे याद रखूंगा? सो लेट अस स्टार्ट थिंकिंग and let our choti stand, so choti, choti is imaginary choti and choti is a sign of intelligence, chanakya, chanakya ki choti hai, yahan par hum log aise yaad rakhenge, cake ka piece leke aa, kyunki christmas hai,
अब केक यानी साइकस, पीस यानी पिसिया, क्रिसमस यानी क्रिसमस ट्री। फिर दोस्त को बोल रहे हैं तू जा और मोर का पंख भी लेके केक के ऊपर लगाएगा। सर क्यों लगाएगा? अपना मर्जी, अपने को एग्जाम्पल पढ़ने का है। सो तू जा मोर का पंख भी लेके आ और पिन भी लेके आ, पिन। सो पिन से फाइनल्स याद आ जाएगा, पिन भी लेके आ और थोड़ा डिओड्रेंट भी लेके आ, थोड़ा खुशबू भी आना चाहिए। सो टेक्निक देखो, केक का पीस हम लोग खाएगा क्रिसमस में, तू जा मोर का पंख लेके आ, पिन लेके आ और डिओड्रेंट लेके आ। समझ गए बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट फोटो खींच लो। डन, ऑल राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट क्लासिफिकेशन, जहां हमने टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स का कर दिया स्वाहा। बच्चों स्वाहा मतलब, स्वाहा मतलब स्वाहा, फिनिक्स। अब आने वाले लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। टिल देन इतने नोट्स का आप लोग पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बनाओ, रफ राइटिंग बुक में लिख लो और इसको मेमोराइज करो। टिल देन रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बेटा।